नमस्कार, स्वागत है आपका टाइगर लोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन, आपका भूगोल का अध्यापक, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करने आए हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की, जो कि 21 जून को संभावित है लोक सेवा आयोग के द्वारा। और ये परीक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें एक प्रतिष्ठित पद मिलता है सिविल सेवा में। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो में हमने आपको बायोदाब और एलबीडो समझाया था। हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट की और उस फिजिकल ज्योग्राफी में आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक ना, जिसको आप लोग आमतौर पर वायुमंडल कह सकते हैं, ठीक ना। तो आज यहां बात करते हैं पवन की। तो आइए पहले पवन को समझते हैं, और पवन को समझने से पूर्व पहले आपके सामने मैं एक शब्द लिख रहा हूं, और आपके सामने मैं एक शब्द लिख रहा हूं हवा, आपके सामने मैं एक शब्द लिख रहा हूं हवा। और हवा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हवा को इंग्लिश में कहा जाता है एयर। हवा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एयर। अगर हवा की बात करें तो इस हवा को हमने दो भागों में बांट दिया। इस हवा को हमने कितने भागों में बांट दिया? तो हवा को हमने दो भागों में बांट दिया। यदि ये हवा क्षैतिज रूप से चलती है, यदि ये हवा क्षैतिज रूप से चलती है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि हवा क्षैतिज रूप से चलती है तो इसको पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि हवा क्षैतिज रूप से चलती है तो इसको हम पवन कहते हैं। और हवा जब गर्म होकर ऊपर उठती है, जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम नाम दे देते हैं वायु। क्या नाम दे देते हैं? वायु। तो पहले हम थोड़ा सा वायु को समझ लेते हैं, उसके बाद पवन को। ये हवा या हवा तभी ऊपर उठेगी जब इसमें नमी नहीं पाई जाएगी, या मैं सीधा लिखता हूं, जब टेम्परेचर अधिक होता है, जब टेम्परेचर अधिक होता है तो आसपास की वायु, जहां पर वायु होगी वो वायु या वो हवा, जब टेम्परेचर अधिक होगा तो हवा कैसे हो जाती है? हवा गर्म हो जाएगी। और हम गर्म हवा किसे कहेंगे? हम गर्म हवा उसे कहते हैं जिसमें नमी नहीं पाई जाती, जिसमें नमी की मात्रा क्या होती है? जिसमें नमी कम होती है। और नमी कम होने पर एक गर्म होगी, उसके बाद गर्म होने पर नमी कम होगी, और नमी कम जब इसमें हो जाएगी तो नमी जब इसमें कम हो जाएगी तो यह हल्की होगी, और हल्की होने के बाद ये कहां जाएगी? यह ऊपर उठेगी। हल्की होने के बाद यह कहां जाती है? तो हल्की होने के बाद यह ऊपर उठेगी। और हवा के ऊपर उठने की प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है, और हवा के ऊपर उठने की प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है आरोहण। क्या नाम दिया जाता है? नाम दिया जाता है आरोहण। तो तापमान जब अधिक होगा तभी हवा गर्म होगी, और जब हवा गर्म होगी तो उसमें नमी नहीं पाई जाएगी, और जब उसमें नमी नहीं होगी तो वो हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, और हवा के ऊपर उठने की प्रक्रिया को आरोहण कहा जाता है। बताइएगा, हवा का आरोहण तभी होना संभव है जब टेम्परेचर का अधिक होना, या जब टेम्परेचर क्या हो, जब टेम्परेचर अधिक हो तभी ये सारी घटनाएं घटित हो सकती है। अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो ये सारी घटनाएं घटित नहीं हो पाएंगे, ठीक ना। अब पवन पे बात करते हैं। पवन क्या होता है? पवन क्षैतिज बहाव होता है, हवा के क्षैतिज बहाव को हम पवन कहते हैं। एक पवन तभी प्रवाहित होगी जब तापमान में अंतर होगा। जब तापमान में अंतर होता है तभी पवन की उत्पत्ति होती है। हम या तो ऐसा कह लें कि जब तापमान में अंतर होगा, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं पवन की उत्पत्ति तभी होती है जब एक स्थान पर हाई प्रेशर और दूसरे स्थान पर लो प्रेशर बनता है, यानी हाई और लो प्रेशर के कारण ही पवन उत्पन्न होती है। और ये बात हमने आपको कल भी समझाई थी, यानी पिछले लेक्चर में, कि ताप और दाब का एक दूसरे से विपरीत संबंध होता है। ताप और दाब का एक दूसरे से क्या होता है? ताप और दाब का एक दूसरे से विपरीत संबंध होता है। अगर मैंने ये बोला है कि पवन की उत्पत्ति तभी होना संभव है जब तापमान में अंतर होगा, तापमान में अंतर, अगर हम तापमान में अंतर को क्या कहते हैं, तो तापमान में अंतर के लिए हम एक शब्द यूज कर रहे हैं तापांतर। क्या शब्द यूज कर रहे हैं? तापांतर। तो तापांतर जहां का अधिक होगा वहीं पर किसकी उत्पत्ति होगी? वहीं पर पवन की उत्पत्ति होगी। तापमान में अंतर का मतलब क्या है? तापमान में अंतर का मतलब है कि एक जगह का टेम्परेचर अधिक होगा और एक जगह का टेम्परेचर कम होगा।
तापमान में अंतर का मतलब क्या है कि एक जगह का टेम्परेचर अधिक होना चाहिए और एक जगह का टेम्परेचर कम। और अभी अभी हमने बताया है कि ताप का दाब से विपरीत संबंध होता है, ताप का दाब से विपरीत संबंध होता है। तो अगर ये तापमान अधिक है तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, यहां पर प्रेशर कम होगा, और यदि यहां पर तापमान कम है तो यहां पर प्रेशर अधिक होगा। तो तापमान प्रेशर के कम होने को हम लो प्रेशर कहते हैं, जहां पर प्रेशर कम है तो इसको हम लो प्रेशर कहेंगे, और जहां पर प्रेशर अधिक है तो इसको हम हाई प्रेशर कहते हैं। और पवन के बारे में याद रखना है, पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, पवन हमेशा हाई प्रेशर से कहां की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक ना। अब बताइएगा, या तो मैं ऐसा कह सकते हूं कि पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, या फिर मैं कह सकते हूं कि पवन कम तापमान से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर चलती है, कम तापमान से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। कौन कौन? पवन, ठीक ना। समझिएगा हमारी अच्छे से बात, यदि तापमान में अंतर ना होता तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का विकास नहीं हो पाता, और जब तक हाई प्रेशर और लो प्रेशर का विकास नहीं होता तब तक पवन की उत्पत्ति नहीं हो पाती, ठीक ना। एक बात, दूसरी बात, अगर इसको हम उदाहरण के द्वारा समझें तो देखिएगा, ये भारत देश है, सबसे बड़ी उदाहरण भारत देश का, भारत देश और भारत के तीन ओर यहां पर पानी है, भारत के तीन ओर पानी पाया जाता है, और तीन ओर जल पाए जाने के कारण ही इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। आपने सुना होगा कि ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु, जब टेम्परेचर अधिक होता है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलती हैं जिनको हम लू के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलती हैं जिनको हम लू कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लू हवाएं या लू पवन दक्षिण भारत में क्यों नहीं चलती है, दक्षिण भारत में क्यों नहीं चलती, उत्तर भारत में ही क्यों चलती है? तो दक्षिण भारत में इसलिए नहीं चलती है क्योंकि दक्षिण भारत के तीन ओर पानी है, दक्षिण भारत के तीन ओर पानी है, और जहां पर समुद्र और जल सॉरी जहां पर समुद्र और धरातल आपस में मिलते हैं, यानी तटीय क्षेत्र, जहां पर धरातल और समुद्र आपस में मिलते हैं, यानी जो तटीय क्षेत्र होते हैं उन तटीय क्षेत्रों में समकारी जलवायु पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? समकारी जलवायु पाई जाती है। तो तटीय क्षेत्रों में समकारी जलवायु पाई जाती है, और समकारी जलवायु का मतलब है वर्ष भर एक समान मौसम रहेगा, ना अधिक सर्दी और ना अधिक गर्मी। अब बताइएगा, जब तटीय क्षेत्रों में समकारी जलवायु पाई जाएगी मतलब वर्ष भर एक समान टेम्परेचर रहेगा, तो एक समान टेम्परेचर होने के कारण क्या यहां पर हाई प्रेशर लो प्रेशर का विकास होना संभव है? तो यहां पर हाई प्रेशर लो प्रेशर का विकास होना संभव नहीं है। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में हाई प्रेशर लो प्रेशर का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए इन क्षेत्रों में पवन की उत्पत्ति नहीं हो पाती, ठीक ना। इसके विपरीत उत्तर भारत का जो क्षेत्र है इस समुद्र के क्षेत्र से दूर है, उत्तर भारत में समुद्री प्रभाव ना होने के कारण केवल केवल धरातलीय या स्थलीय प्रभाव ही है। तो स्थल और स्थल की एक विशेषता होती है, स्थल जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म हो जाता है और शीत ऋतु में अधिक ठंडा हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होता है और शीत ऋतु में अधिक ठंडा हो जाता है, दिन बहुत गर्म होते हैं और रात बहुत ठंडी हो जाती है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो स्थलीय प्रभाव के कारण यहां पर दिन का टेम्परेचर अधिक और रात का टेम्परेचर कम होने के कारण तापमान में अंतर उत्पन्न हो जाता है, और तापमान में अंतर उत्पन्न होने के कारण यहां पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर के विकास हो जाते हैं। जब यहां पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा तो किसकी उत्पत्ति हो जाएगी? तो उत्पत्ति हो जाती है किसकी? पवन की। किसकी उत्पत्ति हो जाती है बाबू? तो बाबू उत्पत्ति हो जाती है पवन। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, कथन कारण वाले प्रश्न यहां पर ज्यादा पूछते हैं, कथन उत्तर भारत दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, कथन कह रहा है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में गर्म लू हवाएं नहीं चलती है, कारण क्योंकि दक्षिण भारत के तीन ओर पानी पाया जा रहा है, दोनों बातें सही है, कथन भी सही है कारण भी सही है, और दोनों की स्पष्टीकरण। कथन, उत्तर भारत में लू हवाएं चलती हैं, कारण उत्तर भारत समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, बिल्कुल सही है, और समुद्र से दूर होने के कारण यहां पर क्या है, धरातल का प्रभाव रहता, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का निर्माण हो जाता, ठीक ना। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात हम विश्व स्तर पर समझते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, दूसरी बात हम विश्व स्तर पर समझते हैं। मान लीजिएगा हम बात करें आपसे, हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर यहां पर एक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं।
जीरो डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो जीरो डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं। हम और आप ये बात भली बात ही जानते हैं कि विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण वर्ष भर एक समान तापमान पाया जाता है, और वर्ष भर एक समान तापमान पाए जाने के कारण हम कह सकते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र का जो तापांतर है वो सबसे कम होता है। तापांतर सबसे कम, तापमान में अंतर बहुत कम होता है। दिन और रात लगभग लगभग बराबर ही रहता है। लगभग 20 डिग्री अगर दिन में तापमान है या 40 डिग्री दिन में है तो लगभग लगभग 42-43 डिग्री रात में रहता है। तापमान में अंतर ज्यादा नहीं होता। तो यहां पर विषुवत रेखा पर तापमान कम होने के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में या विषुवत रेखा पर तापमान कम होने के कारण तापमान में या तापमान वर्ष भर एक समान होने के कारण तापमान में अंतर उत्पन्न नहीं हो पाता, यानी तापांतर यहाँ का बहुत कम रहता है। और तापांतर बहुत कम होने के कारण यहाँ पर पवन उत्पन्न नहीं हो पाती, यहाँ पर पवन उत्पन्न नहीं हो पाती है। बल्कि तापमान अधिक होने के कारण हवा गर्म होगी। हवा गर्म होगी तो हल्की होगी, और हल्की होने के बाद ऊपर उठेगी, और यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होगी? यहाँ पर आरोहण की प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी यहाँ पर? आरोहण की। ये जीरो डिग्री अक्षांश है, जीरो डिग्री अक्षांश के ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 5 डिग्री साउथ। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। यहां पर मौसम संबंधित शांत घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है शांत कटबंध, और इसी को एक नाम और दिया जाता है डोल ड्रम। क्या नाम दिया जाता है इसी को? एक नाम दिया जाता है डोल ड्रम। क्या नाम दिया जाता है? डोल ड्रम। अगर आपसे डोल ड्रम की स्थिति पूछी जाए तो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र को डोल ड्रम कहते हैं। और डोल ड्रम में पवन नहीं चलती है, डोल ड्रम में केवल क्या चलेगी? वायु। क्योंकि तापमान अधिक होने के कारण हवा गर्म होकर कहां उठती है? हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक ना, हो गई इतनी बात। चलिए दोनों चीजें, तो तापमान में अंतर होगा तभी क्या उत्पन्न हो जाएगी, तभी पवन की उत्पत्ति हो पाती है। ठीक ना, चलिए ये देखिएगा, ये हमारा नंबर है। अगर आप हमारे पीसीएस प्रारंभिक बैच में जुड़ना चाहते हैं, प्री की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9170509670। आप पर केवल आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर एंट्री पीसीएस प्री लिखकर सेंड करना है। हमारी जो काउंसलर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगी और आपको एडमिशन की पूरी प्रक्रिया बताएंगी। नंबर एक बार देख लीजिएगा, 9170509670। ठीक ना, चलिएगा। उसके बाद हम आते हैं पवन के प्रकार। तो पवन तीन प्रकार की होती है, पवन तीन प्रकार की होती हैं। स्थायी पवन या प्रचलित पवन, जिनको हम परमानेंट विंड के नाम से जानते हैं, इनको भूमंडलीय पवन के नाम से भी जानते हैं। मानसूनी पवन, सीजनल विंड, और स्थानीय पवन यानी लोकल विंड। तीन प्रकार की पवन होती हैं। अगर हम बात करते हैं स्थायी पवनों की, तो जो स्थायी पवन है, अगर इनकी बात करें तो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है, वर्ष भर क्या है? एक निश्चित दिशा में चलती है। कौन सी? स्थायी पवन। उदाहरण के तौर पर इनके अंतर्गत तीन पवनें आपको याद रखनी है, व्यापारिक पवन, ठीक ना, पछुआ पवन, और एक पवन और होती है जिसका नाम है ध्रुवीय पवन। ये तीन होती हैं। आइएगा इनको तीनों को एक एक से देखते हैं। तो देखिएगा, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और यहां पर कुछ पवन हैं। तो पवनों को समझने से पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। जो मैंने यहां पर जीरो डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखीय क्षेत्र है, तापमान का दाब से विपरीत संबंध होता है, ये बात हमने आपको पहले बताई है। तापमान का दाब से कैसा संबंध होता है? तो तापमान का दाब से विपरीत संबंध होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान पाए जाने के कारण, यहाँ का प्रेशर कम होता है, और यहाँ पर जब प्रेशर यहाँ कम होगा तो इसी को हमने एक नाम दे दिया गया। नाम क्या दे दिया गया? लो प्रेशर। क्या नाम दे दिया गया? लो प्रेशर। उसके ऊपर उपोष्ण कटबंधीय क्षेत्र में यहाँ की अपेक्षा तापमान कम होता है, तो कम तापमान होने के कारण हाई प्रेशर। यहाँ का तापमान इसके अपेक्षा अधिक होता है, लो प्रेशर, और वहां का तापमान कम होता है, इसलिए हाई प्रेशर। यानी जीरो डिग्री अक्षांश को हम नाम देंगे विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब। 30 डिग्री को हम नाम दे देते हैं, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, 30 डिग्री को नाम देंगे उपोष्ण कटबंधीय उच्च वायु दाब।
60 डिग्री, चाहे उत्तर की बात करें चाहे दक्षिण की बात करें, तो 60 डिग्री को हम नाम दे देते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, और 90 डिग्री को हम नाम देते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब, चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में। अगर बात करें हम व्यापारिक पवनों की, तो व्यापारिक पवने जो है वो आप देख रहे हैं, जो व्हाइट कलर से मैंने व्यापारिक पवने बनाई हुई है व्हाइट कलर से, ये व्यापारिक पवने उपोष्ण कर्बन से, ए भी है, ए भी है, 30 डिग्री से, यानी 30 डिग्री से 0 डिग्री अक्षांश की ओर चलती है, यानी उपोष्ण कर्बंधीय उच्च वायुदाब से, उपोष्ण कर्बंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखे निम्न वायुदाब की ओर आती है, उपोष्ण कर्बंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखे निम्न वायुदाब की ओर आती है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये उपोष्ण कर्बंधीय क्षेत्र से आ रही है, मतलब यहां पर एचपी है, हाई प्रेशर है, मतलब यहां का टेम्परेचर कम होगा, तो हाई प्रेशर से कहां की ओर आ रही है, हाई प्रेशर से कहां की ओर आ रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जब ये लो प्रेशर की ओर आएंगी तो विषुवत रेखीय क्षेत्र का टेम्परेचर अधिक होने कारण, अच्छे समझिएगा बातों को, विषुवत रेखीय क्षेत्र का टेम्परेचर अधिक होने कारण जब यहां का प्रेशर अधिक हो जाएगा, सॉरी जब विषुवत रेखीय क्षेत्र का टेम्परेचर अधिक होने कारण जब यहां का प्रेशर लो हो जाएगा, तो यहां पर जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहां पर जब पवने आएंगी तो यहां का जो पानी गर्म हो गया है तापमान अधिक होने के कारण, वो पानी इन हवाओं के साथ, व्यापारिक पवनों के साथ टकराएगा, और ये व्यापारिक पवने ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठने के बाद एक दूसरे से टकराने के बाद भरपूर्ण मात्रा में वर्षा कर देगी, भरपूर्ण मात्रा में वर्षा कर देती हैं, तो हवाओं के ऊपर उठने के द्वारा जो वर्षा होती है उसको संवहनीय वर्षा कहा जाता है। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब में पछुआ, सॉरी व्यापारिक पवनों के कारण, यहां पर किन पवनों के कारण, व्यापारिक पवनों के कारण, व्यापारिक पवनों के कारण संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा की अगर बात करें तो संवहनीय वर्षा केवल विषुवत रेखा के समीप ही होती है, क्योंकि व्यापारिक पवने आपस में टकराती हैं। अब बात करते हैं इनका नाम व्यापारिक पवन क्यों पड़ा, ये व्यापारिक यानी इंग्लिश में ट्रेड विंड बोलते हैं, ट्रेड यानी व्यापार, ट्रेड विंड। तो जब यूरोप के लोग साम्राज्यवाद स्थापित कर रहे थे, मुख्य रूप से ब्रिटेन या फ्रांस या जर्मन के लोग, तो ये एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे, उस टाइम वायुयान तो होते नहीं थे, तो उस टाइम क्या होते थे, उस टाइम होते थे पानी वाले जहाज, और वो पानी वाले जहाजों में पाल लगा रहता था, पाल मतलब एक प्रकार का त्रिपाल होता था, जिसमें जिस प्रकार की हवा चलती थी, हवा उसको अपने साथ बहाती हुए ले चलती थी। तो जब यहां से वो उच्च अक्षांशों में, यूरोप उच्च अक्षांश में है, तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर हवाएं चलती थी, और उन हवाओं के माध्यम से ही वो क्या करते थे, अपनी यात्रा करते थे, यानी ये हवाएं जो उपोष्ण, जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चल रही हैं, ये क्या करते थे, ये अपने साथ, ये हवाएं अपने साथ उनके पानी वाले जहाजों को बहाकर ले जाती थी, अर्थात यूरोप या जर्मन या ब्रिटेन या फ्रांस के लोगों को इन हवाओं के माध्यम से ही व्यापार करने में सुगमता मिलती थी, इसलिए उनके द्वारा इन हवाओं को या इन पवनों को एक नाम दे दिया गया, नाम दे दिया गया व्यापारिक पवन। क्या नाम दे दिया गया, व्यापारिक पवन। आप इतिहास पढ़िएगा और इतिहास में देख लीजिएगा, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा साम्राज्यवाद स्थापित किया गया था। क्यों, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में व्यापारिक पवने चलती थी, जहां जिस कारण से यात्रा करने में क्या होती थी, यात्रा करने में सहूलियत होती थी, यात्रा करने में आसानी हो जाती थी, ठीक ना। तो व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। उसके बाद पछुआ पवन, अगर हम पछुआ पवन की बात करते हैं तो देख लीजिएगा, पछुआ पवन हाई प्रेशर से कहां जा रही, लो प्रेशर, यानी पछुआ पवन जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर जाती है, चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में। यहां पर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, और 60 डिग्री हो जाएगा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। तो ये पवने अपने साथ हवाओं को बहाकर ले जाती हैं, और पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि भाई यहां से हाई प्रेशर से जा रही हैं, और हाई प्रेशर से कहां जा रही है, लो प्रेशर, तो लो प्रेशर के क्षेत्र में तापमान अधिक है, तभी तो लो प्रेशर बना, तो लो प्रेशर के क्षेत्र में जाकर ये वर्षा करती हैं, और इनके कारण ही नाविक यहां पर भी यात्रा करते थे, और इन क्षेत्रों में नाविकों के द्वारा कुछ नाम दिए गए, जैसे 40 डिग्री अक्षांश पर तेज बादलों के साथ वर्षा होती थी, इसलिए 40 डिग्री अक्षांश को गरजता, गरजता चालीसा कहा जाता है, गरजता चालीसा, केवल नाम है, गरजता चालीसा,
यानी 40 डिग्री अक्षांश की बात हो रही है, दोनों गोलार्धों 50 डिग्री को दहकता पचासा बिजली चमकती है, दहकता पचासा कहा जाता है, और 60 डिग्री अक्षांश को चीखता साठा, नाम देखिएगा कितना अच्छा है, चीखता साठा, साठा का अर्थ यहां पर 60 डिग्री अक्षांश, तो यहां पर ही चलती है। तो दोनों चीजें याद रखनी, इसी प्रकार से मानचित्र आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद ध्रुवीय पवनों की बात करते हैं, तो ध्रुवीय जो पवन है वो ध्रुवों से चलती हैं, और ध्रुवों से चलने के कारण ही इनका नाम ध्रुवीय पवन पड़ा, ध्रुवों से चलने के कारण ही इनका नाम ध्रुवीय पवन पड़ा। और ये ध्रुवों पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों से चलती हैं, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर बेसिकली तापमान बहुत कम होता है, और तापमान बहुत कम होने के कारण ही इनकी उत्पत्ति होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये वास्तव में ठंडी हवाएं होती है, ये वास्तव में क्या होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, क्योंकि ऊपर तक जाते जाते सूर्य का प्रकाश यहां पर नहीं पहुंच पाता है। तो अगर बात करते हैं हम ध्रुवीय पवनों की, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। कई किताबों में लिखा रहता है कि ये उत्तर यानी जो हमने जीरो डिग्री अक्षांश बनाई, इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्लॉकवाइज होती है, ठीक ना। तो क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो ऐसी ही तो घूम रही है, तो सही तो है क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। एक छोटा सा मेथड है जिसको आपको याद रखना है, बकाया आपको सबसे बड़ी बात याद रखनी है, अगर यहां पर आप चार वायुदाब की पेटियां बना लेते हैं, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस प्रकार से आप अपने चला सकते हैं। बोलिएगा यहां तक पहुंचने में कोई समस्या हुई हो तो, ये आपकी हुई कौन सी, स्थायी पवन है। स्थायी पवनों के बाद मानसूनी पवन है। अगर हम बात करते हैं मानसूनी पवनों की, तो मानसूनी पवन ऐसी पवनों कहते हैं जिन जो वर्ष जो ऋतु परिवर्तन के साथ, ऐसी पवन जो ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दे, अपनी दिशा में परिवर्तन कर दे, ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में क्या कर दें, अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें, ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें, तो ऐसी पवनों को हम मानसूनी पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऐसी पवनों को हम मानसूनी पवन कहते हैं। आइए समझिएगा, हम उदाहरण देते हैं आपको भारत का। मान लीजिएगा हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। और अगर ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए, ये भारत है और भारत के तीन ओर पानी है, भली भांति जानते हैं भारत के तीन ओर क्या है, तो भारत के यहां तीन ओर पानी है। ग्रीष्म ऋतु में ऐसा देखा जाता है कि धरातल जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी से ठंडे होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में धरातल का टेम्परेचर अधिक, और अगर यहां का टेम्परेचर अधिक तो यहां पर लो प्रेशर, और पानी का टेम्परेचर कम, अगर पानी का टेम्परेचर कम है तो यहां पर कौन सा प्रेशर, पानी का टेम्परेचर कम होने के कारण यहां पर हाई प्रेशर। पवन कहां से कहां की ओर चलती है, पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलने लगेगी। ये पवने अगर देखा जाए तो पवनों का नामकरण उनके आने की दिशा के आधार पर रखा जाता है। ये समुद्र से स्थल की ओर चल रही है, और समुद्र से स्थल की ओर चलने के कारण इनको एक नाम दे दिया जाता है, और इनको नाम दे दिया जाता है समुद्र समीर। समुद्र से स्थल की ओर चलने के कारण इनको एक नाम दिया गया, और नाम दे दिया गया क्या, नाम दे दिया गया समुद्र समीर। इसके विपरीत अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात, ग्रीष्म ऋतु के बाद अगर हम बात करते हैं शीत ऋतु की, हम बात करते हैं शीत ऋतु की, और शीत ऋतु में हमने ऐसा देखा कि शीत ऋतु में हमने देखा कि यहां का टेम्परेचर कम होता है और पानी का टेम्परेचर अधिक होता है, पानी का टेम्परेचर अधिक होता है, पानी का टेम्परेचर अधिक होता है। जब पानी का टेम्परेचर अधिक होगा तो पानी में यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा, यहां पर लो प्रेशर बनेगा, टेम्परेचर अधिक है तो यहां पर लो प्रेशर, लो प्रेशर, यहां पर भी कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर, और यहां पर भी कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर, और यहां पर प्रेशर हाई प्रेशर। पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलती हैं। अब ये स्थल से जा रही हैं, तो इसको हमने एक नाम दे देंगे स्थल समीर,
क्या नाम दे देते हैं, तो इसको एक नाम दे देते हैं हम, और इसको नाम दे देते हैं स्थल समीर। तो एक समुद्र समीर, समुद्र से आ रही हूं, और एक स्थल समीर। हमने क्या लिखाया, ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले। यहां पर कौन सी ऋतु, ग्रीष्म, तो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर आ रही है, और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर जा रही है, ठीक ना। ये दोनों में अंतर है, इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना होगा, बनाइए जल्दी से, ठीक ना। इसी प्रकार चलेगा। तो ये आपकी कौन सी पवन है, तो आपकी मानसून है। अब आते हैं स्थानीय पवन। अगर हम बात करते हैं स्थानीय पवन, लोकल विंड, तो स्थानीय पवन है ऐसी पवन है, ऐसी पवन है जिनका संबंध, ऐसी पवन है जिनका संबंध, ऐसी पवन है जिनका संबंध एक क्षेत्र विशेष तक हो, एक क्षेत्र विशेष तक हो, ऐसी पवन है जिनका संबंध एक क्षेत्र विशेष तक हो। तो ऐसी पवन जिनका संबंध एक क्षेत्र विशेष तक हो, तो ऐसी पवनों को एक नाम दिया जाता है, और नाम क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है स्थानीय पवन। क्या नाम दिया जाता है, स्थानीय पवन। स्थानीय पवनों के कुछ उदाहरण, जैसे लू, जैसे लू, तो लू कहां चलती है, लू का संबंध केवल भारत से, और भारत में भी कहां, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के क्षेत्रों में चलती, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कहां चलती हैं, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के क्षेत्र में चलती लू। उसके बाद एक पवन है जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं, चिनूक। चिनूक हेलीकॉप्टर भी सुने होंगे, यूएसए का है। ए रॉकी पर्वत के समीप चलती है, रॉकी पर्वत के समीप, रॉकी पर्वत के समीप चलती है। अगर हम देश की बात करें तो यूएसए और कनाडा में चलती है, यूएसए और यूएसए के साथ साथ कहां चलती है, यूएसए और कनाडा में चलती है। कहां चलती है, यूएसए और कनाडा में चलती है, कौन, चिनूक। उसके बाद फौन, जो फौन पवन है ये आल्पस पर्वत के समीप चलती है, कहां पर, आल्पस, आल्पस पर्वत के समीप, आल्पस पर्वत के समीप चलती है। और आल्पस पर्वत के समीप अगर देश पूछा जाए तो आपको स्विट्जरलैंड बताना है, कहां पर चलती हैं, तो स्विट्जरलैंड में चलती है, कहां चलती हैं, स्विट्जरलैंड, ठीक ना। उसके बाद एक पवन है जिसका नाम है हरमट्टन, एक पवन है आपकी जिसका नाम है हरमट्टन, और हरमट्टन जो है वो सहारा रेगिस्तान में चलती है, कहां पर चलती हैं, तो हरमट्टन पवन सहारा रेगिस्तान में चलती है, कहां पर चलती है, तो हरमट्टन आपकी सहारा रेगिस्तान में चलती है। हरमट्टन पवन कहां चलती है, सहारा रेगिस्तान में, और इस हरमट्टन को डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर पवन, ठीक ना। मैं समझा रहा हूं डॉक्टर पवन इनको क्यों कहते हैं। उसके पहले एक और समझ लीजिएगा, सिरोकू, सिरोकू और सिरोकू को, सिरोकू भी सहारा मरुस्थल के, सहारा मरुस्थल में चलती है, कहां चलती है, सहारा मरुस्थल में चलती है, और इसको एक ना, इसको इसके द्वारा रक्त वर्षा होती है, रक्त वर्षा पवन कहा जाता है, इनके द्वारा रक्त वर्षा होती है, ठीक ना। इन दोनों को समझना है, सहारा मरुस्थल की है, देखिएगा समझिएगा। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और यहां पर हमारा सहारा मरुस्थल है, कौन सा है, सहारा मरुस्थल। और अगर हम बात करें सहारा मरुस्थल की, तो सहारा मरुस्थल से होते हुए यहां से एक रेखा गुजरती है, और सहारा मरुस्थल से जो रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। यहां पर एक सागर है, और इस सागर का नाम है भूमध्य सागर, कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। यहां पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम है एटलस, यहां पर जो पर्वत है इस पर्वत का नाम है एटलस। और यहां पर यूरोप महाद्वीप है, क्या नाम है, यूरोप, यूरोप महाद्वीप। होता क्या है कि सहारा मरुस्थल से एक पवने हैं जो ऐसे ऊपर की ओर बढ़ती हैं, ये तेज गर्म हवाएं हैं, और ये तेज गर्म हवाएं क्या करती हैं, ये तेज गर्म हवाएं क्या करती हैं, जब आगे बढ़ती हैं तो भूमध्य सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी ले लेती हैं,
भूमध्य सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी ग्रहण करती हैं और भूमध्य सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी ग्रहण करने के बाद आगे बढ़ती हैं और यूरोप के आल्पस पर्वत और इटली के एपेनाइन्स पर्वतीय क्षेत्र से टकराती हैं। टकराने के बाद क्या करती हैं? टकराने के बाद वर्षा करती हैं, ठीक ना? अच्छे समझिएगा, टकराने के बाद क्या कर देती हैं? टकराने के बाद वर्षा करती है। जब ये सहारा मरुस्थल से गुजरती हैं, जब ये सहारा मरुस्थल से होकर गुजरती हैं, तो सहारा मरुस्थल से पर्याप्त मात्रा में अपने साथ रेत को ले लेती हैं, पर्याप्त मात्रा में अपने साथ रेत को ले लेती हैं और रेत को लेते हुए आगे बढ़ती हैं और रेत को लेने के बाद फिर आर्द्रता ग्रहण करती हैं भूमध्य सागर से, और जब रेत और आर्द्रता दोनों आ जाती है और जब ये वर्षा करती है तो उस वर्षा में लाल लाल रेत भी दिखाई देती है और लाल रेत के दिखाई देने के कारण ही इनको रक्त वर्षा कहा जाता है, ठीक ना? दूसरी बात, यहां पर गिनी की खाड़ी है, अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर गिनी की खाड़ी है और गिनी की खाड़ी का जो क्षेत्र है ये खनिज तेल के लिए जाना जाता है। यहां पर कैमरून है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, कांगो है, कांगो गणराज्य है, यहां पर सिरोकू हवाएं चलती हैं और जब यहां पर सिरोकू हवाएं चलती हैं तो यहां पर जून जुलाई की बात है बहुत ज्यादा मात्रा में उमस हो रही होती है, बहुत अधिक मात्रा में उमस होती है और जब यहां से सिरोकू हवाएं चलती हैं तो सिरोकू हवाएं गिनी की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करती हैं और यहां पर कांगो गणराज्य में एक पर्वत है जिसका नाम है मितुम्बा, मितुम्बा पर्वतीय क्षेत्र से और कैमरून पर्वतीय क्षेत्र से टकराती हैं और कैमरून पर्वतीय क्षेत्र कैमरून में है और मितुम्बा जो है वो कांगो गणराज्य में है। तो कैमरून पर्वतीय क्षेत्र के ढलान पर और मितुम्बा पर्वत के ढलान पर उमस के समय यानी जून जुलाई के समय वर्षा कर देती हैं जिस कारण से यहां के लोगों को उमस से राहत मिल जाती है और उमस से राहत मिलने के कारण ही यहां के लोग इन पवनों को डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यहां के लोग इन पवनों को एक नाम दे देते हैं और क्या नाम दे देते हैं? नाम दे देते हैं डॉक्टर पवन, ठीक है ना? ये आपको याद रखनी है। तो ये डॉक्टर पवन कौन सी है? सिरोकू है, सॉरी, इन दोनों पवनों को हम समझते हैं, इन दोनों पवनों को समझते हैं। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है? ये मान लीजिएगा इस प्रकार से हमारा अफ्रीका है और अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर एक मरुस्थल है और इस मरुस्थल का नाम क्या है? तो इस मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल और सहारा मरुस्थल से एक रेखा गुजरती है और सहारा मरुस्थल से जो रेखा गुजरती है इस रेखा का नाम है कर्क रेखा और यहां पर एक सागर है और यहां पर जो सागर है इस सागर का नाम है भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के ऊपर यहां पर एक महाद्वीप है और यहां पर जो महाद्वीप है इस महाद्वीप का नाम है यूरोप। यहां पर कौन सा महाद्वीप है? तो यहां पर जो महाद्वीप है इस महाद्वीप का नाम क्या है? इस महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप। तो यहां से एक हवा उत्पन्न होती है, आगे बढ़ती हैं, इनका नाम है सिरोकू। क्या नाम है? तो इनका नाम है सिरोकू या सिरोकू। तो सिरोकू जब यहां से गर्म हवाएं होती हैं अब आगे बढ़ती हैं तो भूमध्य सागर से क्या कर लेती हैं? पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करती हैं और भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके यहां पर एटलस पर सॉरी यहां पर जो पर्वत है यहां पर आल्पस पर्वत और इटली के क्षेत्र में एपेनाइन्स पर्वत है, यहां पर मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिशिया के क्षेत्र में एटलस पर्वत है, इन पर्वतीय क्षेत्रों से टकराती हैं मुख्य रूप से यहां पर यूरोप में, यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से टकराती हैं और पर्याप्त मात्रा में वर्षा कर देती हैं। रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है सिरोकू को, किस नाम से जाना जाता है? रक्त वर्षा। और रक्त वर्षा के नाम से इन्हें इसलिए जाना जाता है जब यह सहारा मरुस्थल से होकर गुजरती हैं, जब यह सहारा मरुस्थल से होकर गुजरती हैं तो सहारा मरुस्थल से क्या करती हैं? रेत को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और रेत होती है और साथ ही साथ भूमध्य सागर से नमी प्राप्त करती हैं और जब वर्षा होती है तो उस वर्षा में रेत भी पाई जाती है और रेत का रंग लाल होने के कारण ही इस वर्षा को रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त वर्षा किन हवाओं के द्वारा होती है? सिरोकू के द्वारा। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिरोकू को आर्द्रता प्राप्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से। आपसे यह भी पूछा जाता है कि रक्त वर्षा किन महाद्वीपों में होती है? अधिक मात्रा में यूरोप और कम मात्रा में अफ्रीका। अफ्रीका के क्षेत्र में भी होती है, भूमध्य सागर किनारे अल्जीरिया ट्यूनिशिया है लीबिया के क्षेत्रों में भी होती है, ठीक ना? दूसरी बात यह है कि यहां पर एक खाड़ी है और यहां पर जो खाड़ी, इस खाड़ी का नाम है गिनी की खाड़ी। क्या नाम है? गिनी की खाड़ी। यहां पर एक पर्वत है कैमरून पर्वत और यहां पर एक पर्वत है दूर है थोड़ा मितुम्बा पर्वत। यहां से हवाएं चलती हैं जिनका नाम है हरमट्टन। क्या नाम है? हरमट्टन हवाएं।
और जब ये हवाएं चलती हैं तो गिनी की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करती हैं और इस क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं। जून जुलाई के क्षेत्र में यहां पर कैमरून देश है, ठीक ना, कैमरून, कांगो गणराज्य, कांगो, इन देशों में क्या होता है, इन देशों में उमस रहती है, तट के किनारे हैं, उमस रहती है जून जुलाई के समय, और यहां से आने वाली हरमट्टन हवाओं के द्वारा गिनी की खाड़ी से आर्द्रता होने के बाद, आर्द्रता ग्रहण करने के बाद ये यहां पर वर्षा कर देती हैं, जिस कारण से यहां के लोगों को उमस से राहत मिल जाती है, और उमस से राहत मिलने के कारण ही यहां के लोग हरमट्टन को एक नाम दे देते हैं, और क्या नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं डॉक्टर पवन। क्या नाम दे देते हैं, तो नाम दे देते हैं डॉक्टर पवन, ठीक ना। उसके अलावा और भी पवन है, जैसे नॉर्वेस्टर, तो नॉर्वेस्टर जो गर्म हवाएं हैं और ये स्थानीय पवन है, तो ये नॉर्वेस्टर का संबंध न्यूजीलैंड देश से है, नॉर्वेस्टर कहां चलती हैं, न्यूजीलैंड में चलती हैं। ब्रिक फील्डर, तो अगर बात करते हैं हम ब्रिक फील्डर की, तो ब्रिक फील्डर एक ठंडी हवाएं हैं या ठंडी पवन है जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है, कहां चलती है, ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फील्डर कहां चलती है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है। उसके बाद मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल पवन का संबंध भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से है और यूरोप महाद्वीप के कई सारे देशों में चलती हैं। उसके बाद योमा, तो योमा का संबंध जो है वो जापान देश से है, योमा का संबंध किससे, जापान देश से। उसके बाद सिमुन, जो सिमुन है सिमुन ईरान के क्षेत्र में चलती है, ईरान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और ईरान में दो मरुस्थल हैं, दस्ते काबिर और दस्ते काबिर के साथ साथ कौन सा, दस्ते काबिर और दस्ते लुट, ठीक ना। इसके बाद एक और लिख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, यहां लिख दूं, दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ, सिमुम, सिमुन है एक और एक सिमुम है, और सिमुम जो है वो सऊदी अरब में चलती है, सऊदी अरब में रुब अल खाली मरुस्थल में चलती है, रेतीला तूफान लाने में सहायक है। आपने देखा होगा दुबई वगैरह में रेतीले तूफान आते हैं और वो रेतीले तूफान सिमुम हवाओं के कारण ही आते हैं, तो ये कहां चलती हैं, ये चलती हैं सऊदी अरब में, कहां चलती हैं, सऊदी अरब में चलती है। तो ये आपकी स्थानीय पवन है, ठीक ना बाबू। तो आज हमने आपको पवन से अवगत कराया है, और यह हमारा नंबर है, अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से यूपीपीसीएस प्री और इस नंबर पर 9170509670 पर इंट्री मैसेज करना होगा, आपको एडमिशन की प्रक्रिया बता दी जाएगी। अगर हम बात करें आज के अपने लेक्चर की, तो आज हमने आपको पवन पढ़ाई, पवन तीन प्रकार की होती है, स्थानीय पवन, ठीक ना, स्थानीय पवन होती है, स्थायी पवन होती है, और कौन सी, मानसूनी पवन। तो आज हमने इससे अवगत कराया, नेक्स्ट लेक्चर में इससे इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा चक्रवात, जो आपको पब्लिक किया जाएगा और आपको पढ़ाया जाएगा मेरे ही द्वारा बड़े अच्छे तरीके से, ठीक ना। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल, थैंक यू।